कि यहाँ जो समस्या है, मूल समस्या है अल्पसंख्यक के लिए, यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। उद्योग विभाग के द्वारा हमने उद्योग 1 करोड़ का 80 भाइयों को हमने यहाँ प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। लखीसराय जिला में कई एकड़ में इस पंचायत में जमीन गर्मजरुआ है, जिससे यहाँ से विकास हो सकते हैं। जो रोड पर नाली पर पानी बह रहा है, उसका सबसे समस्या पहला समाधान हम करें। आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि अब वोटों की अपील करने में लगे हैं। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के 3 चरणों में मतदान हो चुके हैं और उसकी मतगणना भी हो गई है। वहीं लखीसराय में आगे होने वाले मतदान को लेकर सभी जनप्रतिनिधि अब जनता से रूबरू हो रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं, और साथ ही उनके द्वारा कई सारे वादे भी किए जा रहे हैं कि अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ कार्य उनके द्वारा किया जाएगा, क्या कुछ कार्य उनके पंचायत के हित में किया जाएगा, इसको लेकर कई सारे वादे भी किए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में लखीसराय के खगौर पंचायत के मुखिया पद के सशक्त व प्रबल प्रत्याशी दिव्या देवी के पति व प्रतिनिधि लोजपा नेता जॉन मिल्टन पासवान से हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने क्या कुछ खास बातचीत की, आप देखिए। पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीटीवी भारत की टीम अभी पहुंची है लखीसराय सदर प्रखंड के खगौर पंचायत में, और यहाँ पर हमारे साथ हैं खगौर पंचायत से मुखिया पद के प्रबल व सशक्त दावेदार श्रीमती दिव्या देवी जी के प्रतिनिधि जॉन मिल्टन पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के लखीसराय जिले के वरिष्ठ नेता हैं, और उनसे जानना चाह रहे हैं। सर, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि श्रीमती दिव्या देवी जी आपकी पत्नी हैं और खगौर पंचायत से चुनावी समर में पूरे दमखम से कूद चुकी हैं, तो इस पर आप पंचायत चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? डीटीवी के धन्यवाद। खगौर पंचायत के जनता के द्वारा आवाज़ आया, और यहाँ 15 साल से ठके जा रहे थे, जिसके चलते विकास के मामला में लोग गंदे पानी में चलने की बेबस है। यहाँ की समस्या मूल रूप से पतला घाट से गायत्री मंदिर तक रोड निर्माण होने से लाखों लोगों के आने जाने के लिए सुविधा होंगे, और यह संभव है। माननीय चिराग पासवान के द्वारा हमने आवेदन दिए निमित जी, पथ निर्माण मंत्री जी को, यह काम 10 दिन के अंदर में पेपर में टेंडर के लिए आ जाएंगे, और हम चाहेंगे यहाँ के जनता भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि मतदाताओं से कि जिस दिन मने धन तेरस मने लक्ष्मी अंदर और दलिदर बाहर करना है मतदाताओं को। 15 साल के जो यहाँ पर ही पिछड़ापन बना हुआ है, यहाँ पर ही नहीं पानी चल रहा है, जितना भी नल बनाया है पानी एक भी नहीं है, और हम चाहते हैं आपके द्वारा की बिहार द्वारा से कि यहाँ जो समस्या है, मूल समस्या है अल्पसंख्यक के लिए, यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। उद्योग विभाग के द्वारा हमने उद्योग 1 करोड़ का 80 भाइयों को हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। हम उद्योग विभाग में भी सदस्य हैं, और यहाँ पर ही केंद्रीय विद्यालय लाने के काम कर रहे हैं, यहाँ पर ही अनुसूचित जाति जनजाति बालिका के लिए स्कूल लाने के काम कर रहे हैं। यहाँ पर कई एकड़ में लखीसराय जिला में कई एकड़ में इस पंचायत में जमीन गर्मजरुआ है, जिससे यहाँ से विकास हो सकते हैं। यह जिले भर में सबसे ज़्यादा गर्मजरुआ जमीन यही खगौर पंचायत में है। तो हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि अति पिछड़ा के लिए जो मने छात्रावास बना रहे हैं, यहाँ भी हम लिखने का काम किए हैं, और जनता के भाइयों से अपील करते हैं कि जितना विकास हम कर सकते हैं, दिल्ली तक मेरा पहुंच है, एम्स में इलाज करवा सकते हैं, पटना में करवा सकते हैं, लेकिन जितने भी कैंडिडेट खड़ा है उतना नहीं कर पाएंगे। ये बताइए जॉन मिल्टन पासवान जी, खगौर पंचायत में आप ये मानते हैं कि बीते 5 वर्षों में यह पंचायत पूरी तरह से पिछड़ गया, और आप दिव्या देवी जी के जीतने के बाद कौन ऐसा मुख्य कार्य किया जाएगा जिसे आप मैंने दिव्या देवी के जीत के बाद तुरंत पूरा करेंगे? सबसे पूरा करना है कि जो रोड पर नाली पर पानी बह रहा है, उसका सबसे समस्या पहला समाधान हम करेंगे, और हम राज्यसभा से भी पैसा लाने का काम कर सकते हैं,
दूसरी बात रोजगार देने के लिए यहाँ सुरक्षा बांध, रेल में जो नदी में जो सुरक्षा बांध है कि हजारों आदमी को नौकरी मैंने रोजगार दिया देने का काम करेंगे नरेगा के द्वारा। सुरक्षा बांध बनने से क्या हो जाएगा, जिसका जमीन गया हुआ नदी में है उसके बाद उसका भी काम हो जाएगा, एक झील टाइप का बन जाएगा। झील टाइप बनने से लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, सफाई का अभियान भी होगा और जमीन का कटाव भी बचेगा जनता को। चलिए तो दिव्या देवी जी के जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं? यहाँ पर ही सामाजिक तौर पर दो एक समाज के तीन आदमी खड़ा हैं, दूसरे समाज के तीन आदमी खड़ा है और दूसरे समाज के दो आदमी खड़ा और अपने समाज अनुसूचित जाति में 2500 वोट है उसमें मैं अकेले कहेंगे। तो आप अपने जीत के प्रति पूरी तरह आशान्वित हैं? जी जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए श्रीमती दिव्या देवी जी के पति व प्रतिनिधि और जदयू के वरिष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता जॉन मिल्टन पासवान जी अपनी पत्नी श्रीमती दिव्या देवी जी के जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं। इनका दावा है कि जब ये खगौर पंचायत के मुखिया पद पर विराजमान होंगी तो विकास की एक नया लकीर खींचा जाएगा, विकास का नया जाल बिछाया जाएगा। सरफराज आलम, खगौर पंचायत, डी टी वी भारत लखीसराय।